नमस्कार। कारण कुछ भी हो, आज ये देखने को मिलता है कि गांव से शहरों की तरफ लोग सुहाने सपने लिए दौड़े चले आ रहे हैं। शहर पहुंचकर उनके ये सपने टूट जाते हैं। कितना अच्छा हो अगर हम गांव में ही रोजगार पैदा करें, पढ़ लिख कर गाँव को अच्छा बनाने की कोशिश करें और इस तरह बहुत सी शहरी परेशानियों से बच जाएं। सूर्यो सहस्त्र नामी तेजो आसी जगतपति अनुकंपे इमाम भक्ते देवो गाहंगते नमो नमः। सूर्यो सहस्त्र नामी तेजो राशि जगतपति अनुकंपे इमाम भक्ते देवो गाहंगते नमो नमः। हे बचुआ, ये हरिया भैया यही रहते हैं ना? ये हरिया भैया यही रहते हैं ना? नमो 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 नमः पंडित जी। जगतपति अनुकंपे इमाम भक्ते देवो गाहंगते नमो नमः। ये हरिया भैया यही रहते हैं ना? शंकराय नमः। ओम विष्णुवाय नमः। ओम कैलाशाय नमः। हरिया भैया का मकान यही है ना? ओम कैलाशाय नमः। ओम शंकराय नमः। ओम सूर्याय नमः। हे सूर्यो सहस्त्रनामी तेजो राशि जगतपति अनुकंपे इमाम भक्ते देवो गाहंगते नमो नमः। नमो नमः। नमस्तस्य नमस्तस्य नमो नमः। पाए लागी पंडित जी, हम जाए किसी और से पूछ लेंगे। हाँ, तुम्हारे लीला भी अपरंपार है। धियो यो ये हरिया भैया यही रहते हैं ना भैया? हाँ? हरिया भैया यही रहते हैं ना? हरिया भैया से मिलने आए हो? हाँ भैया, हम हरिया भैया से मिलने के लिए बहुत दूर से आए रहे। अरे तो जाओ मिलो, यहाँ काहे को बैठो, जाओ मिलो उनसे। ऐसी बात करते हो भैया, हमें उनका पता ही तो नहीं मालूम है ना, बस यही से पूछ रहे हैं। ओ हरिया भैया से मिलने आए हो? अरे भैया ये चीज ही ऐसी है, एक बार दिमाग पे इसकी लहरी चढ़ जाए ना तो उतरती नहीं, अगला पिछला सब भुला देती है। और ये सोचो चीज ही ऐसी है भैया, हम हरिया भैया के गाँव से आए हैं। क्या यहाँ रहने का विचार है? हाँ भैया, सोचे कि शहर में कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाए। हाँ तो आराम से कमाए और चैन से रहे। क्यों, तुमका कैसे मालूम? अरे हम भी गांव से शहर में यही सोच के आए थे। फिर तो भैया तुम्हारे पांच उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। नहीं, क्यों? नहीं नहीं भैया नहीं, जो घर से सजी सजाई थाली पे लात मार के आवे ना, उसको दुनिया में कहीं भी आराम ना मिले। ऐसा कैसे बात करते हो भैया? अरे गाँव से जमीन बेच कर शहर में आए थे। हाँ तो भैया कुछ तो हुआ ना, ये जो गांठ में थी ना वो भी लुट गई, मजूरी ससुर अलग करनी पड़े। लेकिन भैया तू अपन जमीन का है बेच दिए? अरे गांव में चार भाइयों की जमीन थी, सब आराम से रहते थे, लेकिन ये जोरों ने ठना ठनी मचा रखी। वहां से हम जमीन बेच कर निकले कि शहर में चैन पाएंगे, यहाँ तो सब लुटा बैठे, लेकिन भैया चैन ही ना मिला। वहां हमारी जोरू चार आदमियों से लड़ती थी, यहाँ घर में अब सारी मुसीबत मेरे अकेले सर पे आ पड़ी है। ओ मुन्ना के पापा! लो आगे मुसीबत, तुम भी दर्शन कर लो मुन्ना के पापा रे। लेकिन भैया ये बात बताओ, तुहार जोरू तू का पापी पापी कहकर काहे पुकारत है? पापी नहीं कहती, मुन्ना के पापा कहती है। शहर में बापू को लोग पापा कहते हैं। अरे यहाँ के रिवाज ही अलग है। एलो, एलो, सुबह से बैठा ये पी रहा है चिलम। अरे इसे तो घर बार की कोई चिंता ही नहीं, हम जो है फूकने के लिए। अरे हम खड़े खड़े चिल्ला रहे हैं और तू टस से मस नहीं है, बैठे बैठे क्या कर रहा है? चल घर चल, सौ काम पड़े हैं। तू चल मैं आ रहा हूँ। क्यों भैया कुछ गलत कहा क्या? नहीं भैया, तू जितना बता रहे पहले उससे बहुत ज्यादा है, ये तो साक्षात काली माता है। अरे फिर दम मारने बैठ गया क्या? अरे आ रहा हूँ। चले भैया। लेकिन भैया हमें हरिया भैया का मकान तो बताए थे ना? हरिया भैया हमारे घर के पास रहते हैं। तुम्हारे घर के पास
फिर तुहार घर कहाँ है भैया? हरिया भैया के घर के पास में। हरिया भैया कुछ हम समझे नहीं क्या कहते हो। दे भैया जिस घर में मैं घुसू ना उसके बराबर वाले घर में तू घुस जाइयो, समझा? हाँ घुस। भैया अरे ओ हरिया भैया कौन है? अरे बनवारी, अरे तू कहाँ लागी भौजी? अरे जीता रे अरे आज अचानक कैसे आ गया भैया? अचानक नहीं भौजी, 100 ठोल जूता खाए के यहाँ पहुँचे। अच्छा अच्छा आजा बैठ जा यहाँ बाहर ही बैठोगी का भौजी? और भैया ये गांव थोड़ी है कि घर में लिपे पुते कमरे होंगे, ये तो भैया शहर की बस्ती है, यहाँ तो घर के अंदर बस सर छुपाने की जगह होती है। अच्छा बता तू गांव के लोग सब कैसे हैं? सब कुशल मंगल है भौजी। अम्मा और बापू तुम लोगों का बहुत याद करत है। अम्मा तो कहते हैं कि जब से गांव से गंगा गई है तब से हंसी सारी साथ ही ले गई। अरे हाँ भैया मुझे भी गांव की बहुत याद आती है। अरे गांव की वो सहेलियां थी उनके साथ हंसी मजाक करो, उन्हीं के साथ लड़ना झगड़ना सब, वो खेतों की हरियाली। अरे भौजी इस बार तो सारी फसल बहुत जबर हुई है। हाँ लहलहाते खेतन देख के मन खुशी हो जात है भौजी। भौजी तुहार जो गैया रही ना वो एक थोर सुंदर बछड़ा दिए। अच्छा? हाँ भौजी। किस रंग का है? बिल्कुल सफेद दूध जैसा, कुलाच मारत घूमत है इधर उधर। चुप रह ले गंगा, अब तेरा सामान आ गया। पाए लागी हरिया भैया। अरे ऐसे क्या देख रहा है, अपने गाँव के लोगों को भूल गया क्या? अरे अपने प्रसाद बाबा का छोटा लड़का है बनवारी। अरे बनवारी, अरे इसे मैंने तब देखा था जब छुटकू सा गांव में नंगा घुमा करता था, अब तो मूंछ वाला जवान गबरू हो गया। आ जा बैठ जा, मैं तुम लोगों के लिए चाय बना के लाती हूँ। हाँ, ला ला। अरे चाय की पत्ती लाए ना। अरे अरे सब सामान ले आया, जो जो तूने पर्ची में लिखा था ना सब है इसमें। अच्छा। और सुना कब आया तू शहर? शहर में तो कल भैया हम भोरे ही में आए गए थे। कल भोरी में? हाँ क्या दो दिन शहर घूम रहा था? नहीं भैया इस शहर वाले हल भमका घुमाते रहे। अरे तो प्रसाद चाचा के सबसे होशियार लड़के को शहर वालों ने चकरा दिया। अरे भैया हमारी सारी की सारी होशियारी धरी की धरी रह गई है? हम बस अड्डे पे उतरे तो हमें तो कुछ मालूम नहीं, जाए तो जाए कहाँ, कई लोगों से पूछताछ की पर कोई कुछ नहीं बताता भैया। इस शहर के लोग बताते तो कुछ नहीं है, अकड़ते जाते हैं बस। भैया शहर की जिंदगी ऐसी होती है, यहाँ लोगों के पास अपने सगों के लिए समय नहीं है, दूसरे की परेशानी भला कौन समझे। ठीक कहते। हाँ भैया हमका एक बड़का आदमी मिला रहा, वो हमको देखते ही बोला एक गाँव वाला इधर आ। हम भैया डरते हाँफते उसके पास पहुँचे तो उसने कहा कि कहाँ इधर से उधर घूम रहे हो। हमने कहा भैया हम गाँव से आए हैं, शहर में नौकरी की तलाश है। तो पहले तो वो थोड़ी देर हमको घूरता रहा, फिर उसके बाद बोला ससुरे टैक्स जमा किया है कि नहीं? टैक्स? हाँ भैया टैक्स। फिर हमने पूछा भैया ये टैक्स का होता है, तो बोला ससुरे शहर का तेरे बाप का है, चल निकाल 200 रुपया। तो तूने उसे पैसे दे दिए? नहीं भैया हम ऐसे कैसे दे देते पैसे, हम भी तो ठहरे ना होशियार आदमी। हमारे पास हरिया भैया 300 रुपया थे, अब हमने सोचा कि अगर 200 रुपया टैक्स में दे देंगे तो फिर इस शहर में दिन कैसे काटेंगे भैया। हमने उसे कहा देखो भैया हमारे पास तो 150 रुपन्नी है, तो वो बेवकूफ सोची कि हम सच बोल रहे हैं, बस 150 रुपया दे के उससे पीछा छुड़ा लिए। अरे भैया हंस का रहे हो, कुछ गड़बड़ हो गई का? अरे भैया शहर में घूमने का कोई टकस नहीं होता, हर कोई घूम सकता है, वो तो तुमसे बड़े प्रेम से 200 रुपए 150 रुपए ले गया। वो कैसे भैया? देख भैया कोई टैक्स वैक्स की बात नहीं, ये तेरे होशियारी के कारण तेरे पैसे गए 150 रुपए। धत तेरे की, हम रहे ना वही के वही। पर एक बात है हरिया भैया, इस शहर के लोग है ना बहुत बड़े कपटी हैं। ना सब शहर के लोग भैया ऐसे ना हुए हैं, ये है कि कई लोग अपना उल्लू सीधा करने के चक्कर में रहते हैं, और फिर अनपढ़ को तो बहुत आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है ना। हरिया भैया सही कहते हो, पढ़े लिखे की तो बात ही कुछ और होता है। चल ये बात तो तूने सही कही, ये बता कल रात रहा कहाँ तू? रहे कहाँ भैया, दिन भर तो शहर में धक्के खाते घूमते रहे, रात को भूखे प्यासे थके मांदे जाए के एक सड़क के किनारे सोए गए। पर इस शहर के लोग है ना भैया, हमको वहाँ भी चैन नहीं लेने दिए, कोई कहता था कि हम चोर हैं, कोई कहता था हम भिखारी हैं। चल भैया मेरी बात सुनो भैया, इस शहर में आके हमारी बहुत बेइज्जती हो गई। चल चल इस बहाने तूने शहर के सारे रंग तो देख लिए। अच्छा तेरे सामान का सब रख दिया ना अंदर? वो भी चोरी हो गया हरिया भैया।
भैया अब तो समझ में आया कि शहर में गांव की तरह आदमी को शांति नहीं है। शहर में हर कदम फूक फूक कर साफ दानी से रखना पड़ता है। ले 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 चाय पी पहले, आते ही भाषण शुरू कर देता है अपना। अरे गंगा ये भाषण नहीं है, मैं तो बनवारी को समझा रहा था कि शहर में हर काम फूक फूक कर करना पड़ता है सावधानी से। अच्छा बता आप सौदे में से पैसे बचे हैं तो दे। हाँ क्यों नहीं बचे, अपना हरिया का तो एकदम खरा है। गंगा कट गई हरिया की जेब भी आज। अब दूसरों को समझा रहा था अपनी जेब नहीं संभाली गई इससे। अब क्या करें, शहर में दिन दहाड़े लूट मार जो हो रही है, हम इसमें क्या कर सकते हैं? तभी तो मैं शहर नहीं जाती। अरे शहर के पास ही सही पर अपनी बस्ती बहुत भली है। गंगा अगर ये फैक्ट्री में काम का झमेला ना हो ना तो मैं भी अपनी बस्ती से ना निकलता। अरे हरिया भैया गजब हुई, अरे बहुत गजब हुई। अरे गोपी काका का एक्सीडेंट हो गया। कैसे? कब? सवेरे शहर को गए थे, लौटते में एक कार से टकराए गए। अरे आप कहाँ है वो? उनका तो अस्पताल पहुँचाए थे पर काकी ने रो रो के आकाश सर पे उठा रखे। ठहर 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 मैं चलता हूँ काकी को समझाने। अरे मेरे जूता तो दे, आ जा पकड़ जल्दी जा। अच्छा गंगा मैं अभी आया, बनवारी भैया चाय वाय पी ले तू। अच्छा आ जा। अरे भौजी का शहर में रोजाना लोग गाड़ी के नीचे आ जाते हैं का? अरे भैया यहाँ इतनी भाग दौड़ है कि इधर उधर देखने की फुर्सत नहीं मिलती लोगों को। अरे कभी तो कोई गाड़ी चलाने वाले की हो गई गलती तो कभी पैदल चलने वालों की गलती हो जाए। एक बात बताए भौजी, तुहार शहर से हमार गांव फिर भी भला है। मानते हैं काम धीरे होते हैं वहाँ पर लोग इस तरह मरते करते तो नहीं है ना? हाँ भैया ठीक कह रहा है। अरे शहर में तो ना सड़क पर रोज ही कोई ना कोई कुचल ही जाता है। अब हम समझे भौजी, अब समझे हम, हमारी माँ हमें शहर काहे नहीं आने देती थी। बेचारी रोए रोए के मना कर रही थी। काहे जिद करत है बनवारी, हम तू का शहर नहीं जाने देंगे वहाँ। अरे काहे हमें इस बुढ़ापे में सता दे तू बेटा, हम तेरे बिना नहीं रह सकते बनवारी, हम तेरे बिना नहीं रह सकते। हाँ बेटा मान जा, तू काहे नहीं समझाता ही का? तो का यहाँ क्या परेशानी है? यहाँ तो आर खेत है, हरियाली है, गांव की गाय भैंस है तुम्हारी, और तुम्हार माँ की बनाई मीठी रोटी है। ये सब छोड़कर तू काहे शहर जाना चाहती? अब हम खेत में काम ना ही करब बाबू, हम जात हैं शहर नौकरी करने के लिए। शहर में लोगन के झूठन साफ करने का शौक चढ़ा है, दो ही दिन में हालत खराब हो जाए तुम्हार। हम सोच लिए हैं बाबू एक बार जाए के कोशिश करने में का बुराई है। ना बेटा ऐसा ना कर बेटा, देख कुछ दिन पहले ना मनसाराम शहर पे गया था, अरे ये मुआ शहर उस पर निकल गया बेटा, उसकी माँ रो रो के यहाँ मर गई है। अरे उसके चिता को कोई आग देने वाला भी नहीं था बेटा, हमारी तू ऐसी दशा ना कर मेरे लाल, मेरी ऐसी दशा ना कर बेटा। अरे जाए दो जाए दो, विनाश काले विपरीत बुद्धि, शहर जाए के लोगों का झूठन साफ करिए। नहीं नहीं बेटा हम तो करना जाने दे, तो मैं अरे इसका मरने का खुद ही फैसला कर लिया तो कोई क्या करे? ना हमारा बेटा ना जाए, ना 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 बनवारी बनवारी तू ना जाए, ना जाए बनवारी ना जाए। हम निश्चय कर लिए हैं अम्मा। नहीं बनवारी नहीं, कर लिए हैं हम निश्चय, हम शहर जाएंगे। नहीं बहुत परेशान किए हैं हम बेचारी का, अरे उसी का आशीर्वाद रहा तभी तो अभी तक बचे हैं हम, वरना हमारा खेल तो कल ही खत्म हो गया होता। अरे तो भैया माँ बाप से झगड़ा करके क्यों आए? अरे शहर तो फिर घूम लेता तू आके। अरे घूमने फिरने की कौन सोच रहा था भौजी, हम तो शहर नौकरी करने के लिए आए हैं। हाँ गंगा। अरे क्या हुआ, सब ठीक है ना? अरे काकी को समझा बुझा कर चुपका कराया। हाँ। अभी अस्पताल से एक आदमी आया था। अच्छा। बता रहा था कि अब काका को भी कोई खतरा नहीं है। चलो पता नहीं लोग घर गांव छोड़कर शहर क्यों आते हैं नौकरी करने, नौकरी तो मिलती नहीं, हजार मुसीबत आ जाती है सर पे, फिर आदमी घर का रहता है ना घाट का। लेकिन हरिया भैया हम गाँव से शहर आए हैं नौकरी करने के लिए। अरे क्यों बैठे बैठा ये मुसीबत मोल ले रहा है? मेरी मान ये शहर में नौकरी वगैरह का चक्कर छोड़, उल्टे पाँव गांव लौट जा। हरिया भैया तुम तो गांव से आए के शहर में नौकरी कर रहे हो। बनवारी भैया हरिया से सबसे बड़ी भूल हुई है और आज तक उस भूल के लिए पछता रहा है। वो का भैया? अरे भैया हम हंसी खुशी गांव में रहते थे, दिन भर खेती करते थे,
शाम को डट कर खाना खाकर मीठी नींद सो जाया करते थे, और ये गंगा हंसी खुशी पूरे गांव में कूदती फिरती थी। फिर अचानक शहर से एक उसका ठेकेदार का आदमी आया नौकरी लेकर। अरे नाम मत ले उस मुझे लेकर, अब भी कहीं मिल जाए ना तो गधे पे बिठा के सारे शहर में चक्कर कटाऊं उसे। अरे छोड़ छोड़, अब उसको गाली देने से क्या फायदा, उस समय तो हम भी उसकी बातों में आ गए ना। अरे आते कैसे नहीं, इतना साफ झूठ बोल रहा था निकम्मा। अच्छा छोड़ छोड़, अब खाना ला। जा रही। अच्छा फिर क्या हुआ हरिया भैया? अरे भैया वो जो ठेकेदार का आदमी आया था ना, उसने हमें शहर की बड़ी बड़ी बातें बताई, और हमें बड़ी बड़ी बातें बता के पट्टी पाने लगा कि हम उसके साथ शहर आ जाए, वो हमें बड़ी नौकरी दिलवाएगा। अपनी तो मती मारी गई भैया, अपनी जमीन दूसरों को देकर भैया उसके पीछे पीछे शहर आ गए। अच्छा फिर वो अपना वादा पूरा की ही इसके नहीं? अरे बनवारी भैया कैसा वायदा, जब हम शहर में आए तो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बन रही थी, उसने हमें वहाँ ईंट ढोने पर 8 रुपए रोज पे मजदूरी दिला दी। उसका तो काम तुम जानते हो ना, सस्ती मजदूरी दिलाना था। फिर अब वो जो बिल्डिंग बन रही थी उसके पास हमने एक झोपड़ी बना ली, और 8 रुपए जो ईंट ढोने के हमें मिलते थे दिन भर के, उसने भी 2 रुपए ली भैया मुंशी को देने पड़ते थे, नहीं तो वो हमें नौकरी से निकालने की धमकी देता था भैया। मगर हरिया भैया, 6 रुपया में 2 जनों की गुजर कैसे होती रही अब तक? अरे भैया बस एक वक्त के गुजर हो ही जाता था, यही सोच के समय हमने काट लिया कि कभी तो अच्छा वक्त आएगा बस। हाँ भैया समय बहुत बलवान होता है। नहीं भैया फिर बहुत बुरे दिन आए, फिर हुआ कि वो जो बिल्डिंग थी ना लंबी चौड़ी बिल्डिंग बन के तैयार हो गई, और भैया फिर हमारा काम खत्म, और वो जो दिन भर के 6 रुपए रोज मिलते थे वो भी बंद। बनवारी गांव में जब खेती हम करते थे ना, पसीना बहाते थे, मेहनत करते थे, थक जाते थे, लेकिन जब अपना खेत देखते थे तो मन को शांति मिलती थी भैया। लेकिन भैया यहाँ तो उल्टा ही हुआ भैया, वो जब बिल्डिंग बन गई हमारी अपनी नौकरी गई, 6 रुपए गए, हमें उसके पास एक झोपड़ी तक बनाने को नहीं मिली भैया। ये तो हरिया भैया बहुत बड़ा अन्याय हुआ है तुम्हारे साथ। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। शाबाश शाबाश तीनों शाबाश, बड़ी बहादुरी का काम कर रहा है। मेरे को क्यों कहते हो? तो फिर क्या दोबारा नौकरी नहीं लगी इसकी? अरे नौकरी मिले तब ना, हम जैसे कितने मूर्ख यहाँ पर पड़े पड़े फिरते रहते हैं। तो फिर क्या हुआ? अरे फिर क्या होना था, ये शराब पी के पड़ा रहे थे, और हम हमारे बच्चे भूखे प्यासे इसका मुँह ताकत है। किसान का बेटा हूँ, किसी गुलामी नहीं बर्दाश्त कर सकता। हाँ अच्छा, अगर किसान का बेटा है ना तो गांव जा, वहाँ जाके खेती कर। इतना सब देखने के बाद में शहर में रहना मूर्खता है। हाँ हाँ ठीक है, आओ आओ आओ। धनिया कैसे आई? भैया हम तुम्हारा धन्यवाद देने आए हैं। अरे इसमें धन्यवाद की क्या बात है, जो बड़े बूढ़े कहते रहे हमने तो वही बात तुम्हें बताई। बस आज ही का निश्चय कर लिया जाने का भैया, अब हम दोपहर की गाड़ी से जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो ये बनवारी भी तुम्हारे साथ जा रहा है। अच्छा, गांव के पंछी को शहर की बेल ज्यादा दिन नहीं रोक सकती। एक दिन हरिया भी अपने खेत, अपने गांव, अपने लोगों के बीच वापिस जाएगा, जरूर जाएगा। अपने रास्ते अपना चैन है, अपने दुख सुख अपना चैन है, अपने दुख सुख अपने हैं समाधान, अपने हैं समाधान।